प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चाहे लड़का कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, 9 में पढ़ रहा हो, 10 में पढ़ रहा हो, 6 में हो, 7 में हो, इन सभी क्लासों में देखिए अक्सर आता है प्रश्न की बीजगणितीय भाग। ठीक है, बीजगणितीय भाग जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, क्योंकि बीजगणितीय भाग में आए तो हम लोग गुणनखंड वगैरह में समस्या होती है, इन सभी चीजों को करने में समस्या होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ बीजगणितीय भाग के बारे में, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से बताई जाएगी, बस आप उसे ध्यान से देखें। चलिए देखें, अब x माइनस वन का भाग देना है x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन में। तो जो भाग देने के लिए क्या करेंगे, जैसे आसान तरीके, x क्यूब होता है, क्या होता है, x क्यूब होता है, इस x क्यूब में हम इस x का भाग दे देंगे, तो इसके भाग के भागे x, तो कितना आएगा, x गुड़े x बटे x, x x कैंसिल, बचता है x स्क्वायर, तो जो बचेगा उसको हम यहाँ रख देंगे, यही हो गया मेरा x स्क्वायर, ये भागफल है। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ आएगा x क्यूब, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा x स्क्वायर के रूप में आएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग घटा देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये इससे कैंसिल। अब देखिए, माइनस टू एक्स स्क्वायर में से प्लस x स्क्वायर निकालेंगे, तो ऋण में से x धन करेंगे, कितना बचेगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इन सबको क्या लाएंगे, एक साथ नीचे लाएंगे। ठीक, यहां तक तो चीज समझ में आई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका भाग देना है इस संख्या में, तो यहाँ x स्क्वायर, तो लिखेंगे x स्क्वायर भागे x, अर्थात x गुणे x बटे x, x x से कैंसिल, बचता है मेरा x, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ माइनस में आएगा ना, तो लिखेंगे माइनस x, क्या लिखेंगे, माइनस x। अब इसका गुणा करेंगे, तो आएगा माइनस x स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, और x का गुणा एक में करेंगे, कितना आएगा, ये x ही आएगा। ठीक, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस घटाने को, ये कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 3x में से ऋण x घटा देना है, तो 3x में से अगर x निकालेंगे कितना बचेगा, 2x बचेगा, तो 2x ऋण 1, ठीक है, 2x ऋण 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई, अब 2x ऋण 1 में भाग देना x माइनस 1, तो लिखेंगे 2x अपान x, इस 2x में पहले हम लोग उसका भाग देंगे, इस x का भाग देंगे, x कैंसिल बचेगा, तो अब 2 आया, तो प्लस 2 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, अब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो जाएगा 2x, फिर इस 2 गुणा करेंगे 1 में, तो प्लस माइनस माइनस 2 इकाई 2, अब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह परिवर्तन, अब ये घट गया, अब 2 में से 1 घट जाए, कितना बचेगा, 1। ये है सबसे आसान तरीके से यह प्राप्त हुआ क्या, भागफल, ये है भागफल, ये है शेष, ये क्या कहलाता है, भाज्य, और ये क्या कहलाएगा, भाजक, क्या कहलाएगा, भाजक। ठीक है, ये है भाग देने की सबसे आसान तरीका, अब आसानी से किसी भी संख्या का भाग आप दे सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।